हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सीएमए प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा प्लेसमेंट में। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपका सीएमए फाइनल का रिजल्ट आता है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता है। इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड सीएमए। आपने अपने सीएमए फाइनल के एग्जाम क्लियर कर लिया एंड उसी के साथ आपके पास एक लिंक दिया होता है कि आप प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 4000 की फीस पे करनी पड़ती है इंस्टीट्यूट को एंड आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊँ, अगर आपने कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लेसमेंट 100% हो जाएगा। आपको 100% किसी ना किसी कंपनी में इंटरव्यू देने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपकी इंटरव्यू होगी नहीं होगी क्या होगा, इंस्टीट्यूट कोई श्योरिटी नहीं देती। सो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी भी रिजल्ट आई थी एंड मैं सीएमए फाइनल क्वालिफाइड किया था। जब 2018 में मैंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया इंस्टीट्यूट के साइड पे एंड पहले मेरा 12 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें एवरी डे डिफरेंट फैकल्टी आए थे जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, कोई कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, इन सब चीज़ों के फैकल्टी आए थे, उन्होंने डिस्कशन किया। फिर कुछ जीडी के सेशन हुए थे, कुछ पर्सनल इंटरव्यू के सेशन हुए थे, आपको किस टाइप से इंटरव्यू प्लेसमेंट में देना है। फिर 12 डेज का जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, देन मेरा कॉन्वोकेशन हुआ एंड एक नॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मुझे मिला एंड आफ्टर इट अब बारी आती है कैंपस प्लेसमेंट की। फिर अक्टूबर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, बट मेरा बैड लक था, मेरी सिर्फ दो कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग हुई। एक L&T कंस्ट्रक्शन था एंड एक थी RSM कंसल्टेंसी। RSM में इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल थी एंड L&T में कॉस्टिंग की प्रोफाइल थी। तो L&T का प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले रिटन टेस्ट हुआ, देन इंटरव्यू हुआ एंड RSM का वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू था। डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं, पहले वहाँ पे GD था, सॉरी, पहले ग्रुप डिस्कशन था, देन इंटरव्यू था। सो हर कंपनी की अपनी डिफरेंट क्राइटेरिया है सिलेक्शन के। सो RSM का मैंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया था, उसमें 120 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स के रिटन टेस्ट क्लियर हुए थे। आफ्टर इट अब बात आती है पर्सनल इंटरव्यू के। सो मेरा पर्सनल इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, बिकॉज मैंने लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर काम नहीं किया था एंड कहीं ना कहीं मैं अंडर कॉन्फिडेंट था खुद को लेके। बिकॉज मेरे थॉट प्रोसेस ये था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस्ड है एंड उन्हें सारी चीज़ें आती है, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने 6 मंथ 1 ईयर की ट्रेनिंग की है, तो शायद कंपनीज उन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पीछे जाएंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं की थी एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरा पर्सनल इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। वहाँ पे इनकम टैक्स, GST के लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मेरे पास कोई आंसर नहीं था एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर था मेरे पास, मैंने बता दिया, बिकॉज मेरी कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग थी इनिशियल स्टेज से। सो कहीं ना कहीं वो बैड लक कि मैं लेटेस्ट अपडेट्स को कवर नहीं किया मैंने, जिसकी वजह से मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो कैंपस ही आपको सियोरिटी नहीं देती कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। हाँ, अगर आप कैंपस में जाते हो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेशन दूंगा, कभी भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमेशा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए हों आपके प्लेसमेंट से 6 मंथ पहले के, सारे अपडेट्स को आप कवर कर लो, अच्छे से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो एंड जिस भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, उसका प्रोफाइल, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से आप रिसर्च करो। डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा अगर आपकी शॉर्ट टेस्टिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।